इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये मेरी परछाई से भी खबर आते हैं क्योंकि मैं इनके स्कैम्स को उजागर करता हूँ और इन लोगों को जब ये सत्ता में थे इन्हें गिफ्ट मिलते थे, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते थे और मैं आज अपनी तनख्वाह को भी लोगों के लिए डोनेट कर देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और जो सच्चाई है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 10 साल में जो अन्याय काल हुआ है हमारे देश में किसानों के खिलाफ, युवकों के खिलाफ, नारी के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है, क्या ये विश्वासघात नहीं है जनता के साथ? क्या ये कोई परिवार के प्रमुख ऐसा व्यवहार करेंगे जो अपने आप को 140 करोड़ भारतवासियों के प्रमुख समझते हैं? क्या ऐसा व्यवहार करेंगे? ऐसा अन्याय होगा जो आप पिछले एक हफ्ते में देखिए, ड्रोन से आंसू गैस फोड़े जा रहे हैं किसानों पर, किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। एक तरफ चंदादाता का सम्मान और दूसरे तरफ अन्नदाता का अपमान। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ देखिए, जिस गैर लोकतांत्रिक तरीके से महापौर का चुनाव कराया गया बीजेपी की ओर से। तो ये प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री के पद के लिए एक सम्मान होता है, पर सम्मान डिमांड नहीं किया जाता है, सम्मान कमाया जाता है भाषा से, बोली से, अपनी कथनी से और करनी से। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना इनकी कथनी ना इनकी करनी हमें कुछ कारण देता है कि हम इनको सम्मान करें। प्रधानमंत्री के पद को हम सम्मान करते हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पद को। पर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के 12 साल बाद आप ये सब पूछ रहे हैं, 12 साल बाद सितंबर 2013 में डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में और राज्यसभा में एक प्रगतिशील समझता हूँ क्रांतिकारी कानून पारित हुआ, जो 1894 का कानून में संशोधन नहीं पर पूरे तरीके से बदला, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और नया कानून लाया 2013 में। किसान को 4 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मुआवजा दुगना होगा, और भी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पर सबसे मुख्य प्रावधान यही है मुआवजा। एक मिनट यार, खत्म तो करने दो। क्या हुआ, हमारी सरकार चली गई 2014 में, 2015 नरेंद्र मोदी जी संशोधन लाए कि ये पूरा कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो हम इनसे इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन संशोधन के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई। ये संशोधन को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दो ही ऐसे मिसाल हैं जहां उन्होंने जो उन्होंने कहा है और जो उन्होंने विधेयक पेश किया था उसको वापस लेना पड़ा। एक तो 3 काले कानून आप जानते हैं, उनको वापस लेना पड़ा मजबूरी में, और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर। कल भी ये बात उठी और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कराया कि कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि 2013 के कानून के प्रावधान को हम पूरे तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमजोर करने के। मोदी जी ने क्या किया, केंद्रीय स्तर पर हम संशोधन नहीं ला सकते पर अब राज्यों को संशोधन लाना है, वो मुक्त है, वो ला सकते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पिछले 2-3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये केंद्रीय कानून है, संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा, और भूमि अधिग्रहण ऐसा विषय है केंद्रीय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है, यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पर कानून जो लाया गया है पार्लियामेंट में पारित हुआ है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, ये हमारी गारंटी है। ममता बनर्जी इज पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रुप, द लेफ्ट पार्टीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रुप। ममता बनर्जी अटेंडेड पटना, मुंबई, बेंगलुरु एंड दिल्ली मीटिंग ऑफ द इंडिया ग्रुप। She has said her priority is to defeat the BJP and strengthen India. That is also the priority of the Congress party. We are hopeful that some middle path will be worked out. Let us see. We are trying our best. नेहरू गांधी परिवार के पैर कभी रुकते नहीं है, वो पैर हमेशा गतिमान होते हैं न्याय के लिए, मजलूमों के लिए। तो ये यात्रा
एक ऐसी सफल यात्रा है, इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जैसे लोग कटघरे में खड़े होंगे कि तुमने राजनीति की, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये यात्रा आपकी वजह से भी सफल है और आम जनता इससे जुड़ रही है, वो भी सफलता है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जय। हमारा हमें लगता है कि से बात और जो जैसे एसपी के साथ एक खबर आई होगी तो वो भी एक अपनी उसी भावना के अनुरूप हुआ, और बाकी भी जिससे जिससे भी करना पड़ेगा। एक एक वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ ही बटे थे, इसका प्रयास। तीन दिन में सीसी इलेक्शन मैनिफेस्ट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय इलेक्शन, उसमें कौन कहां से लड़ेगा, राहुल जी कहां से लड़ेंगे और कौन कौन कहां प्रत्याशी, स्पष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि आपकी जो भावना है उसका सम्मान, शक्ति दिखाई देती है और एक हमारे नेताओं को भी एक मौका मिलता है कनेक्ट करने का। तो ऐसी यात्रा, ये आखिरी यात्रा नहीं है, हम जीतेंगे 2024 की लोकसभा और उसके बाद कोई यात्रा नहीं होगा, ये नहीं, ये यात्राएं चलती रहे क्योंकि ये लंबी लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएसएस का प्रोजेक्ट जो है पिछले 70 साल से चल रहा है, 80 साल से चल रहा है और हम सत्ता में रहे थे, हम भूल गए कि एक, मैं स्वीकारता हूँ कि ये एक वैचारिक मुकाबला है, एक वैचारिक जंग है। चुनाव हम हारेंगे जीतेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, पर विचार का जो मुकाबला है इसमें हमारी ओर से कुछ कमी थी और वो पूरा कर रहे हैं राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। आज इंदौर एक वृद्ध को हाथ पांव बांधे और चाकुओं से गोद किया। आज छतरपुर में एक विधायक का चुनाव लड़े, उस व्यक्ति के सर पे गंध रखी और उसको दाग, विधायक का चुनाव लड़े उसकी दाग दी। आज एक पिता और दो बच्चों ने मंदसौर में फांसी के झूले को चूम लिया, आत्महत्या कर ली, वजह बताई कि मेरी पत्नी को निर्वस्त करके मारा गया। प्रदेश में क्राइम अद्भुत है। कल मोहन यादव जी विजुअल आए, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो राम मंदिर पूरे मंत्रिमंडल को दर्शन करने लगे। अच्छी बात है, भगवान राम के दर्शन तो होने भी चाहिए, आस्था का विषय है, व्यक्ति की आस्था का भी है और सामूहिक आस्था का। पर मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि क्राइम रोके। जो गृहमंत्री भी है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ हुआ। फिर कर्ज 15,000 करोड़ रुपये इन्होंने पिछले 2 महीने में कर्जा लिया। फिर करप्शन, कोई टोल ऐसा नहीं है जो आप लोग भी निकलो इनसे जाओगे तो हर सब जगह करप्शन का बोलबाला है। अभी जितनी नियुक्तियाँ हो रही, ट्रांसफर हो रही, उनमें बोलबाला है। आपने गीता और रामायण जैसे वचन पत्र की बात की, क्यों एक शब्द भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई? क्यों नहीं हुए 3100 के धान के दाम, क्यों नहीं हुए 2700 के गेहूँ के दाम, क्यों नहीं हुए 450 का गैस सिलेंडर, क्यों नहीं हुए 3000 रुपये बहनों के लिए? तो ये मुद्दे लोकसभा के मुद्दे, और लोगों ने जिस तरीके से मत दिया, पिछली बार हम सरकार में आए थे, लोकसभा बीजेपी 28 जीत गई, अब वो सरकार में आए हैं तो लोगों का मानस कब बदल जाएगा कहते नहीं आता। पर लोकतंत्र में हमारा काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं और मुझे अपेक्षा है इस बात की, वो मैंने आपके सामने बताई है। 15 सीट की मेरे, मुझे लगता है कि लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप हमें काम करना चाहिए, उसका प्रयास जारी है। आज शाहजहाँपुर में अद्भुत अकल्पनीय लोगों की, सुबह सुबह 10 बजे इतने लोगों का एकत्र होना, सारे नेताओं का एक साथ एक मंच पर आना, और जो राहुल जी ने लोगों से बात की वो आम आदमी की बात की, दर्द की बात की, लोगों के तकलीफों की बात की, अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। तो मैं मानता हूँ उसमें भी आप सबका सहयोग। धन्यवाद।